सलामी के लिए तैयार हूँ। हिंदुस्तान का शेर आ रहा है। तो फाइनली दोस्तों, इंतजार की घड़ियां हुई खत्म और बॉलीवुड के मेगा स्टार अक्षय कुमार के फिल्म पृथ्वीराज चौहान के नई रिलीज डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है। जी हां दोस्तों, यशराज बैनर के तले बनी फिल्म पृथ्वीराज, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने, और इस फिल्म में मेगा स्टार अक्षय कुमार के अलावा हमें देखने को मिलेंगे संजय दत्त, मानुषी छिल्लर, साथ ही साथ सोनू सूद। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज मेगा स्टार अक्षय कुमार ने पृथ्वीराज चौहान फिल्म के एक नहीं बल्कि चार चार नए मोशन पोस्टर रिलीज किए हैं, जिनमें सबसे पहला मोशन पोस्टर आया संजय दत्त का, उसके बाद सोनू सूद का, फिर जाकर इस फिल्म की हीरोइन मानुषी छिल्लर का भी मोशन पोस्टर रिलीज किया, और अंत में अक्षय कुमार का भी एक नया मोशन पोस्टर आ चुका है। साथ ही साथ इस फिल्म की जो नई रिलीज डेट है वो अनाउंस की गई है 10 जून। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 10 जून को पृथ्वीराज चौहान फिल्म दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। बताना चाहूंगा दोस्तों, पृथ्वीराज फिल्म हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु में भी रिलीज की जाने वाली है। तो दोस्तों काफी अच्छी बात है कि बच्चन पांडे जहां 18 मार्च को रिलीज होगी, वही पृथ्वीराज फिल्म अब 10 जून को रिलीज की जाएगी। तो उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों कि पृथ्वीराज चौहान फिल्म का जो प्रमोशन है वो बच्चन पांडे रिलीज होने के बाद शुरू हो जाएगा। हालांकि पृथ्वीराज फिल्म का जो ट्रेलर है वो कब रिलीज किया जाएगा इसको लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन हाँ ये ऑफिशियल कंफर्म हो चुका है कि मेगा स्टार अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज चौहान हिंदी तमिल तेलुगु तीनों भाषाओं में 10 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं मेगा स्टार अक्षय कुमार के फिल्म पृथ्वीराज चौहान को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।